देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बदस्तूर जारी है। यहां भारी संख्या में रोजाना कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यहां रोजाना कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर वाराणसी में 1174 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 19 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिनका आंकड़ा बढ़कर अब 719 पहुंच गया। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1565 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। वाराणसी में अब कुल 12,888 एक्टिव केसेस हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से मास्क पहनने के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसको लेकर सूबे के हर जिले में पुलिस प्रशासन चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती से पालन करा रहा है।